गाइस, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया है पबजी मोबाइल इंडिया को लॉन्च करने के लिए। लाइक जो क्राफ्टन है ना, क्राफ्टन ने इंडिया के अंदर ऑफिस भी सेटअप कर लिया, एम्प्लॉयज भी रख लिए पबजी मोबाइल इंडिया के लिए। लॉन्च की पूरी तैयारी हो गई थी दिवाली के आसपास, बट गाइज अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च नहीं हो सकता, अभी तो नहीं हो सकता, मीन्स बहुत टाइम लगने वाला है। क्योंकि शायद गवर्नमेंट ये कहना चाहती है, इन माई ओपिनियन, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम सिर्फ उसके चाइनीज होने से नहीं थी, बिकॉज इंडियन जो पेरेंट्स है ना, वो लोग मतलब बहुत ज्यादा शिकायतें करते थे कि पबजी मोबाइल बहुत बुरी चीज है, बच्चे एडिक्ट हो गए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। शायद उन सब कंसर्न को देखते हुए ना गवर्नमेंट ने मना कर दिया पबजी को इंडिया में आने के लिए। एंड नाउ इट सीम्स लाइक अ बिग थिंग, मे बी अब शायद पबजी आ ही ना पाए, ये शायद एंड हो। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने पहले वाले वीडियो में कि शायद ये पबजी मोबाइल का एंड होगा इंडिया के अंदर, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो गाइस जो चल रहा है वो चलने दो, गवर्नमेंट जो भी हमारे डिसीजन लेगी ना वो गलत नहीं लेगी, मे बी वो सही कर रहे हैं, तो करने दो, जो भी हो रहा है एक गेम ही तो था। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए पांच ऐसे ऐप्स लेके आया हूं ना जो आप लोगों को पता ही नहीं होंगे, पक्का मैं कह रहा हूं आप लोगों को पता ही नहीं होंगे। तो आओ एक एक करके इन सारे ऐप्स को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना अगर पसंद आए तो। ओके, डिसलाइक मत करना, और अगर डिसलाइक करो ना तो भी प्लीज रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सीधा डिसलाइक करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप लोग हेटर्स की काउंटिंग में आ जाओगे अगर डिसलाइक करोगे तो। ओके, अब गाइस बहुत दिनों से मैं ना यूट्यूब म्यूजिक यूज कर रहा था प्रीमियम फीचर्स के साथ, सारी चीजें मतलब बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं, और यूट्यूब म्यूजिक की क्वालिटी है ना, जो ऑडियो की क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है, सबसे बड़ी यूट्यूब म्यूजिक की लाइब्रेरी है, बिकॉज उसके पास यूट्यूब की पूरी लाइब्रेरी है, सारे अपलोड्स यूट्यूब वाले हैं, तो वो सारी चीजें हमें ला के देता है, और काफी सही चीज है गाइस यूट्यूब म्यूजिक। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसे बोला कि यार ये तो महंगा है, 100 रुपए पर मंथ और ऐसा कुछ, तो मैंने गाइस इस चीज का सोल्यूशन निकाल लिया है। सेम मैं यूट्यूब ऐप के लिए भी निकाल चुका था, उसकी लिंक आपको दे दूंगा उस वीडियो की, मैं आप लोगों को यहां पर कहीं पर नीचे सब जगह, ठीक है, तो आप लोग जाके एक बार चेक करना गाइस। मैं YouTube प्रीमियम ला चुका हूँ उसके अंदर भी, मतलब YouTube प्रीमियम फ्री में कैसे ले सकते हैं वो भी पता चल जाएगा आप लोगों को, और आज इस वीडियो में आप लोगों को उसी मेथड से, मतलब सिमिलर मेथड से YouTube म्यूजिक भी बताऊंगा फ्री में कैसे ले सकते हो आप लोग। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एक एपीके की लिंक दूंगा, उसके आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा कॉल्ड वांस मैनेजर, और ये इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को इसके अंदर कैटेगरीज दिखने लगेंगे, दो चार एपीकेज मिलेंगे इसे आपको खोलने के बाद, उन सबको इंस्टॉल कर लो, आपके फोन में भी यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब वांस दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे, और दोनों काफी सही ऐप्स है गाइस। आप लोगों को कोई एड देखने को नहीं मिलेगा ना यूट्यूब में ना यूट्यूब म्यूजिक में, और आप लोग बैकग्राउंड में भी प्ले कर सकते हो, यूट्यूब म्यूजिक के अंदर वीडियो और ऑडियो दोनों प्ले कर सकते हो, और बिल्कुल फुल क्वालिटी में सब कुछ इंजॉय कर सकते हो गाइस। तो ये जो वांस मैनेजर ऐप है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हो एक बार, और बिल्कुल सेफ है, आप लोग इसके अंदर अपना जो गूगल अकाउंट है वो भी साइन इन कर सकते हो, बट फॉर सेफ साइड आप लोग अपना कोई एक दूसरा ईमेल अकाउंट बनाओ जीमेल पर और उसको यहाँ पर लॉग इन कर लो, आप लोगों के भी सही है, मतलब क्या पता ये ऐप फ्यूचर में दगाबाजी कर जाए, बट फिर भी आप लोग प्रिकॉशंस रख सकते हो। बट जहां तक मेरा ख्याल है ये ऐप कोई दगाबाजी नहीं करने वाला, मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ इसे, जब भी आया था ना तब से यूज कर रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गए मुझे इसे यूज करते हुए, और अभी अभी इसके अंदर यूट्यूब म्यूजिक भी आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दे जाए, अब इसके अंदर यूट्यूब म्यूजिक भी आ चुका है। अब गाइस नेक्स्ट ऐप जो हमारी लिस्ट में है ना उसका नाम है फ्लिप टू श। ओके, आप लोगों को थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, बट आप लोग इसी नाम से सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, इसी नाम से आएगा और यही इसका असली नाम है। इस ऐप से गाइस बेसिकली क्या होता है कि आप अगर कहीं पर किसी मीटिंग में बैठे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को कोई फोन वोन उठाना पड़े, नोटिफिकेशन बहुत सारी आए, तो गाइस आप लोग बस अपने फोन को उल्टा करके रख दो, 2 सेकंड के बाद आप लोगों को एक साउंड सुनाई देगा और उसके बाद आपका फोन DND मोड में चला जाएगा, मींस डू नॉट डिस्टर्ब मोड में, कोई आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, सारे आपके कॉल साइलेंट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और काफी सही चीज है गाइस, बस 2 सेकंड में आपका फोन DND मोड पे हो जाता है, और क्योंकि ये आपके फोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करता है तो शायद आपके फोन का बैटरी ड्रेन ज्यादा ना हो इससे, बस 1-2% का फर्क पड़ेगा तो ठीक है, बट आपको काफी अच्छी चीज ला के दे रही है। अब गाइस जो नेक्स्ट ऐप है हमारे लिस्ट के अंदर उसका नाम है मूवीज एज। अब इसका नाम मुझे नहीं पता मूवीज क्यों रखा है, बट ये म्यूजिक से रिलेटेड है, मूवीज से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इस ऐप के अंदर बेसिकली क्या होता है गाइस, आप लोग जब भी अपने फोन के अंदर कोई म्यूजिक चलाओगे, कोई भी वीडियो चलाओगे यूट्यूब पर, तो आप लोगों को आपके फोन में है ना ये कलरफुल सी ये स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी, या फिर आप इसे इक्वलाइजर मोड में भी सेट कर सकते हो, जैसे इक्वलाइजर देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे 4-5 हमें प्रीसेट मिल जाते हैं, और बाकी प्रीमियम वर्जन के लिए है, बट हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग फ्री वाले यूज करो, फ्री वाले भी काफी अच्छे प्रीसेट्स है इसके अंदर। और एक और अच्छी बात ये है कि ये वॉल्यूम के हिसाब से रिएक्ट करता है, आप लोग वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दोगे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे आप लोगों को दिखेगा कि ग्रेडियंट बढ़ रहा है, मतलब
अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, जो भी स्ट्रिप्स है, जो भी स्टाइल्स है, जो भी ये एनिमेशन है, बढ़ता जा रहा है, काफी अच्छा लगता है। आई प्रॉमिस आपके फ्रेंड्स के सामने आप लोग ये चीज करके दिखाओगे ना, वो लोग बिल्कुल पूछने वाले हैं कि भाई ये क्या चीज है और कैसे करते हैं। तो आप लोग उसे ऐप मत दिखाना, आप लोग उसे इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो बंदा इस वीडियो के बाकी सारे ऐप्स के भी फायदे उठा सके गाइस, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं। अब गाइस नेक्स्ट ऐप जो हमारी लिस्ट में है ना, उसका नाम है रेमिनी। ये गाइस एक फोटो एडिटर है, या फिर आप इसे फोटो एनहेंसर बोल सकते हो। ये आपकी फोटोज को एनहेंस कर देता है। अगर आपके पास अपनी कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, या फिर कोई स्क्रैच फोटो है आपकी, या फिर आपकी फोटो में डिटेल्स और कॉन्ट्रास्ट काफी काफी कम है, मतलब आप लोगों को इतनी ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं आती, तो आप लोग गाइस इस ऐप को यूज करके देखो, बड़ा ही अच्छा ऐप है गाइज ये। इस ऐप के अंदर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, आप लोगों को सीधा ऐप को ओपन करना है, एनहांस पे क्लिक करना है, आपकी फोटो इंपोर्ट करनी है, फिर ये थोड़ी लोडिंग लेगा, एक आध आपको एड वैड दिखाएगा, और फिर आप लोगों को बिफोर आफ्टर करके आप लोगों को दोनों फोटो दिखा देगा कि बिफोर कैसी थी, आफ्टर कैसी हो गई। काफी अच्छी शार्पनेस, काफी सटल सी शार्पनेस लाता है, काफी सटल सा इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट भी एड कर देता है, काफी सही लगती है गाइज ये फोटोज। मे बी आप लोगों को इस शॉट के अंदर ना दिखे, बट मैं अपनी डिस्प्ले पर दोनों साइड आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। आप दोनों को देखो और खुद देखो कितनी अच्छी लगती है। और बाय द वे गाइज जो फोटोज मैंने दिखाई, ये मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मतलब एक स्किट वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसे देख लो गाइस, काफी अच्छी वीडियो है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अब गाइस टेस्टिंग करने के लिए मैंने भी अपनी एक फोटो को डिसैचुरेट किया, मतलब उसके कलर सारे खत्म कर दिए, फिर इसके अंदर मोर के अंदर जाके कलर का ऑप्शन आता है, उसके अंदर जाके आप लोगों को अपनी ब्लैक एंड व्हाइट वाली फोटो इंपोर्ट करनी है, और फिर उसके बाद इसका मैजिक देखो गाइस, आप लोगों को थोड़े ऐड तो देखने पड़ेंगे और ये अनस्किपेबल ऐड होते हैं, काफी सही गाइस ये आपको रिजल्ट लाके देता है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे फुल स्क्रीन में आप लोगों को फोटो दिखा रहा हूं कि पहले कैसी थी और अब कैसी होगी, डिसैचुरेट रिलेटेड थी, फिर उसके बाद इसने वापस कलराइज किया उसे और काफी सही करके दिया है गाइस। थोड़ी बहुत स्किन टोन वगैरह खराब हो गई, बट यूजेबल है ये फोटो। अगर आपके पास कोई बहुत डिसैचुरेटेड फोटो पड़ी है तो आप उसे यूजेबल बना सकते हो एटलीस्ट। अब गाइस नेक्स्ट ऐप जो हमारे लिस्ट के अंदर है ना, वो एक वॉलपेपर ऐप है, और ये कोई ऑर्डिनरी वॉलपेपर नहीं है, ये लाइव वॉलपेपर भी नहीं है, ये एक सेमी लाइव वॉलपेपर है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इस ऐप का नाम है मटेरियल आइलैंड्स। आप लोगों को इसको सिंपली डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि इसके अंदर है ना बहुत सारे वॉलपेपर के ऑप्शंस हैं, और काफी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स हैं। आप लोग कोई भी एक वॉलपेपर, अपना फेवरेट जो मॉन्यूमेंट है या फिर फेवरेट जो वॉलपेपर आपको लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। आपका फेवरेट वॉलपेपर सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ऊपर सेट वॉलपेपर पे क्लिक करना है, और आपको चूज करना है कि होम स्क्रीन पे या फिर आपको लॉक स्क्रीन पे भी लगाना है। चूज करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या दिखेगा कि ये वॉलपेपर सिंपली सेट हो गया, बट ये सेमी लाइव वॉलपेपर कैसे है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। इस ऐप के अंदर ही आप लोगों को एक सेक्शन मिल जाएगा साइड में स्टैटिक नाम से, आप लोग उसे ओपन करो, फिर आप लोग अपनी इमेज देखो, जो इमेज आपने सिलेक्ट किया एज अ वॉलपेपर उसको देखो, और आप लोगों को उसके 5 अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे। इन वेरिएंट से बेसिकली क्या होता है कि जब डे टाइम होगा, मॉर्निंग टाइम होगा, उस टाइम आपकी फोटो कुछ ऐसी दिखेगी, फिर जब थोड़ा नून टाइम हो जाएगा उस टाइम आपको ये फोटो ऐसी दिखेगी, फिर जब थोड़ी शाम होने लगेगी गोल्डन आर के टाइम आप लोगों को फोटो कुछ ऐसी दिखेगी, और जब पूरी मूनलाइट डार्क नाइट हो जाएगी तब आपको फोटो कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये फोटो टाइम के साथ चेंज होती है, और ये गाइस काफी सेटिस्फाइंग लगती है ये चीज। मतलब आप लोग कभी बोर नहीं होगे एक ही एक वॉलपेपर से, आपको दिन के अंदर 5 अलग अलग वेरिएंट के वॉलपेपर दिखेंगे। और यही नहीं गाइस, आप लोग इसके साइड में एक और सेक्शन मिलेगा सेटिंग्स का, उसके अंदर आप लोग सेट कर सकते हो, आप लोगों को एक क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, उस क्लॉक के अंदर जाके आप लोग सेट कर सकते हो कि कौन सा टाइम कब स्टार्ट होगा, मतलब शाम होगी तो उसे आप 7 बजे के आसपास सेट कर सकते हो, और जब सुबह होगी उसे आप 6 बजे 7 बजे के आसपास सेट कर सकते हो। और गाइस काफी सही चीज लगती है, काफी सही फंक्शनलिटी है, और लाइव वॉलपेपर की ज्यादा बैटरी नहीं खाता। सो या गाइस इतना था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग यहां पर नए हो तो, और बेल आइकन तो तुम लोग दबाई लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूं।